हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में न्यू ट्रेंडिंग स्टेटस वीडियो एडिटिंग करेंगे। अभी आपने स्टेटस वीडियो प्रीव्यू देखा ही होगा, इसी तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो को एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा इस तरह का स्टेटस वीडियो कैसे बनाते हैं। और जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर देना है। सबसे पहले आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। लाइट मोशन ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 9.16 वाले साइज सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। बाद में आपको यहाँ पर सॉन्ग लेना है, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सॉन्ग ले लेना है, जिस भी सॉन्ग पर आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सॉन्ग को पहले ऐड कर लेना है। इस तरह आपको पहले सॉन्ग को ऐड कर लेना है। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से आपको फ़ोटो ऐड करना है। जिस भी फ़ोटो पर आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ से फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो पर क्लिक करना है। बाद में आपको ऊपर 3 बिंदु दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। फिर 5वें नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है, फिल कंपोजिशन एरिया, इस पर क्लिक कर देना है। फ़ोटो को फुल स्क्रीन कर देना है इसी तरह। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, ये वाला फ़ोटो और ऐड कर लेना है। 2 बार, ये 3 बार सेम फ़ोटो आपको ऐड कर लेना है इसी तरह। फिर आपको वीडियो के एंड में जाना है। जितना भी आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हैं वहाँ तक आपको सॉन्ग रख देना है। वीडियो के एंड में आ जाना है, फिर इस फोटो पर क्लिक करना है। तीनों फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फ़ोटो को वीडियो एंड तक बढ़ा लेना है इसी तरह। फिर आपको यहाँ से बैक जाना है, चेक इफेक्ट प्रोजेक्ट मिलेगा। मैं ये मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ पर XML प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आपको लाइट मोशन में ऐड कर लेना है। तो इसमें आने के बाद आपको सबसे नीचे वाला फ़ोटो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है। बाद में 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पर जाकर कॉपी कर लेना है इफेक्ट को। फिर वापस आ जाना है अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे नीचे वाला फ़ोटो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, 3 डॉट पर जाकर पेस्ट इफेक्ट कर देना है इसी तरह। फिर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप देख रहे हैं तो आपको गोल वाला शेप ऐड कर लेना है। फिर मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसकी साइज को बढ़ा लेना है, इतना कर लेना है। फिर आपको इस तीर वाले एरो पर क्लिक करके वीडियो एंड तक इसको भी बढ़ा लेना है। बाद में आपको यहाँ पर क्लिक करके शेप और फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। ऊपर 3 ऑप्शन देख रहे हैं, उसमें बीच वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इसी तरह। बाद में इस ग्रुप को मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे की ओर रख देना है, यहाँ पर आपको इसको। बाद में ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर जाना है, यहाँ पर आपको फोटो पर क्लिक करना है। बाद में आपको मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आपको फोटो की साइज को छोटा कर लेना है इसी तरह। इस ग्रुप के हिसाब से आप फोटो की साइज को रख देना है इसी तरह, फोटो की साइज को छोटा कर देना है। बाद में आपको यहाँ से बैक आना है। फिर आपको इस फोटो पर क्लिक करना है और मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो की साइज को छोटा कर लेना है इसी तरह और ऊपर की ओर रख देना है इस फोटो को यहाँ पर। बाद में इस फोटो पर क्लिक करना है, बॉर्डर एंड शैडो पर क्लिक करके यहाँ पर बॉर्डर को इनेबल कर देना है और इसकी साइज को बढ़ा लेना है थोड़ा बहुत। बाद में कलर का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है। नीचे शैडो का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके
इसको भी इनेबल कर देना है और साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है इसी तरह। बाद में ग्रुप पर क्लिक करना है, ब्लेंडिंग एंड सॉरी बॉर्डर एंड शेडो पर क्लिक करके इस एड बॉर्डर पर क्लिक करना है और इसको ऑन कर देना है, साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है। बाद में शेडो के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको भी ऑन कर देना है और यहाँ पर साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है। तो इसी तरह आपको ये बॉर्डर लगा देना है। बाद में ग्रुप पर क्लिक करना है, मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। बाद में यहाँ पर एक प्लस वाले आई की दिख रहे इस पर क्लिक करना है और वीडियो के एंड में आना है, यहाँ पर एक प्लस वाले की और लगा देनी है। फिर आपको इसको घुमाना है, दो बार इसको यहाँ तक घुमा देना है, 2x कर देना है यहाँ तक इसी तरह। फिर आपको यहाँ से बैक आना है, चेक पेट प्रोजेक्ट में आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपको एक PNG दिख रही है, इस पर क्लिक करना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी लेयर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फर्स्ट लेयर पर क्लिक कर देना है इसी तरह। बाद में इस पर क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफर के ऑप्शन पर क्लिक करके इसको यहाँ पर 20 में रख देना है और साइज को छोटा कर लेना है इसी तरह, इसकी साइज को छोटा कर लेना है। फिर आपको वीडियो के एंड में जाना है, इस पर क्लिक करके वीडियो के एंड तक इसको बढ़ा लेना है इसी तरह। फिर वापस जाना है शेयर इफेक्ट प्रोजेक्ट में, यहाँ पर आने के बाद आपको एक फ्रेम दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। बाद में प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी लेयर कर देना है और वापस आ जाना है अपने प्रोजेक्ट में। फिर यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके लेयर पेस्ट कर देना है इसको और इसको भी वीडियो के एंड तक बढ़ा लेना है इसी तरह। फिर आपको इस फोटो पर क्लिक कर देना है और फोटो को थोड़ा छोटा कर लेना है, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह आपको फोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों हमारा स्टेटस वीडियो बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एक और टेम्पलेट वीडियो ऐड करना है तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ से आपको वीडियो ले लेनी है। वीडियो पर क्लिक करना है, वीडियो ऐड होने के बाद वीडियो पर क्लिक करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर लाइटन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और स्क्रीन कर देना है इसको, वीडियो साइज को थोड़ा बढ़ा लेना है। तो हमारा टेम्पलेट वीडियो ऐड हो चुका है। अब हमारा स्टेटस दोस्तों बन चुका है, कोने में आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।